रिया तुम यहाँ पे? अरे यार बैठो ना। अरे बैठिए, आपको कुछ बताना है। एक सेकंड, तू क्या कर के रहा था अभी? हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितिक सिन्हा। तो आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब ऐसे इंट्रो क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा जो भाई, छोटा भाई उत्कर्ष, वो मेरे को कॉल किया और बोला कि दी आप पार्क आओ, मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं मतलब पता नहीं क्या है सीन। देन जब ऑफिस आई तो मुझे पता चला कि भाई साहब ट्राइपॉड कैमरा वगैरह लेके पार गया हुआ, और मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब मेरा सेंस जैसा बोल रहा है कि वो मेरे को प्रैंक करने वाला है। बट मुझे तो सब कुछ पता चल जाता है भाई। बट कोई नहीं, अगर प्रैंक किया तो भी सही है, नहीं किया तो भी सही है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना लूँ कि मुझे पता है बेटा तू मेरे प्रैंक करने वाला दीदी होती है। और देन अगर वीडियो अच्छा हो रहा तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। चलिए हाँ, आ रही है, रेडी हो जाओ शॉकिंग न्यूज देने के लिए रिति को। ओके आ रही है, तो दानी ना लग रहा है। चलिए धमाका ब्लास्ट करते हैं। बम फोड़ना बड़े वाला। रिया तुम यहाँ पे? अरे यार बैठो। अरे बैठिए, आपको कुछ बताना है। एक सेकंड, तू क्या कर के रहा था अभी? कुछ नहीं। अरे बैठिए, बैठो तो। एक सेकंड हाँ तो बताना, तू कर के रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही है? पार्क में लोग क्या करते हैं? बैठो तो सही। अरे बैठो, अपना दोनों बकवास बंद करो। तुम क्लास गया था ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्लास के बाद पार्क आया था, इसलिए तो बुलाया था। ये मेरी फ्रेंड है, पता है हमको। तुम इसके गोद में क्या कर रहे थे? गोद में क्या? गोद में बोलो यार, गर्लफ्रेंड है, बैठे तो बैठो तो सही। आपको बोलो बोलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शक्ल देखो कितना क्यूट तो है, अभी तो पटी है। इसी को बताने के लिए आपको पार्क बुलाया है। दोनों का ये स्क्रू ढीला हो गया है? नहीं, स्क्रू सही है यार। ये तो चुप रह रहे, तेरा बॉयफ्रेंड है राजीव, फिर तू मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी है? मैं राजीव मेरा बॉयफ्रेंड था ये नहीं। तुमको पता नहीं है कितना छोटा है, तुम इसके तुमको समझ नहीं है, बिल्कुल सेंस नहीं है इस चीज का। है यार फिर भी मतलब तुम्हारे भाई का कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकता है। एक सेकंड, तुमको समझाना चाहिए ना इसको। छोड़ दो यार। अरे बैठे तो को बता, ऊपर से पतीसी दिखा रहा है। अरे अरे दिखा रहा है। अरे बैठो आराम से, पहले एक सेकंड आराम से बात करें। आराम से अलग हटोगे? अरे बैठो ना, हम चप्पल निकाल के एक चप्पल देंगे, हम खींच के बता रहे हैं। अरे तो चप्पल की कहां से बात है, आपको बता रहे हैं आराम से बैठो। बैठो तो सही। एक सेकंड, तुम दोनों पहले अलग हटो। उधर जा, आप इधर आइए ना, क्या दिक्कत? तुम्हारा उम्र क्या है ये? तुम थोड़ा सा शांत रहो अभी। तुम्हारा उम्र क्या है अभी ये बता? 16 साल। साला अभी छोड़ दो। फिर तुम उसका हाथ पकड़ी, हाथ छोड़ो यार, मेरा भाई है, तुमको समझ नहीं तुमसे कितना छोटा बच्चा है तुम्हारा भाई है। आप यहाँ बैठे ना, आपको हम यहाँ बैठाने के लिए। हमको नहीं बैठना है, पहले ये बताओ कि तुम लोग कर क्या रहे थे यहाँ पे? गुल्लू गुल्लू छोड़ दो। अरे आप आराम से पहले बैठिए, आप बहुत पीटती हैं। शांत हो जाओ, खाली पीटने आती है पार्क। बस हो गया। बता रहे हैं आपको, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग बस अपना रिलेशनशिप के बारे में बताने जाते थे ना। नहीं मम्मी को नहीं बताना, वही तो मैं आपको बता रहा था। नहीं नहीं, हम देखो एक चीज बता रहे हैं, हम इस चीज सब से मना नहीं करते, लेकिन हर चीज का एक उम्र होता है। आपको उम्र अभी दूध तक है रे साला, अभी छोड़ दो ना, अभी हम तुमको भी चपेट कर लग देंगे ना, तुम शांत हो जाओ। इसीलिए पहले बैठिए। रियर बैठो तो तुम सही, क्या प्रॉब्लम है तुमको? हमको नहीं बैठना यार, पागल हो गए दोनों के दोनों, बैठिए ना साला। तुमसे 4 साल छोटा है, समझ है, भेजा है छोटा।
छोटा बड़ा काज आ गया, प्यार में छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता है। हर चीज का एक उम्र होता है बच्चा, दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। दिल होगा तुम्हारे पास तब तो दिल से प्यार करोगे ना। दिल है तभी तो प्यार कर रहा है ना यार। तुम लोग क्या नटन हिला के रखे आप बैठिए, आप बता रहे ना, बस आपका बस हो गया, आपका बस हो गया। कितना हाइपर हो रही हो यार। दो मिनट के तुम शांत रहोगे, अपने भाई से बात कर ले। ओके कर लो। मेरा बात सुनती हो बाबू? हर चीज का एक उम्र होता है। तुम्हारा अभी क्या एज है? 16 साल एज है। हो गया ना, बड़े हैं ना। ये इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को चूज करूं। अभी तुम्हारा करियर का समय है, तुम लाइफ पार्टनर। तुम यार हाथ हटाओ बहन, प्लीज। अरे बॉयफ्रेंड है मेरा तो हाथ कौन रखेगा? हम रखेंगे या कोई और रखेगा? देख रिया, हम तुम्हें कुछ नहीं बोला चाहते हैं, प्लीज। देख उत्कर्ष बाबू, हम तुमको इस चीज के लिए कभी मना नहीं किए कि तुम मत करो, करो। हर इंसान के लाइफ में होता है, बट एक सही उम्र पे। अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ। हो चुका है, आपको लग रहा है कि नहीं हुआ? तुमको ज्यादा पता है, तुम नहीं मतलब यार देखो, जब तुम्हारा उम्र होगा ना, हम खुद तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, बट अभी बहुत गलत है तुमको। अभी भी आप करिए, हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको करना पड़ेगा। यार हद, क्या प्रॉब्लम है यार? यार तुम्हारे पास तो भेजा है ना, ये अनमेच्योर है। तुम जो मेच्योर इंसान हो ना, तुमको कॉमन सेंस नहीं कि मेरी फ्रेंड हो कि मेरी भाई के साथ? अरे तुम्हारा भाई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। बहन तुम्हारे लाइफ में कोई और है? नहीं है अभी तो, कोई और था, है नहीं। बहन एक चीज बोल रहे, तुमको कोई और मिल जाएगा, मेरे भाई को नहीं, मुझे यही चाहिए। यार तुम लोग पागल वागल हो गए, करो नशा से करके बैठे हो। नहीं, प्यार का नशा और कोई नशा नहीं है यार। हो गया ना, क्या दिक्कत है? तुमको दिक्कत नहीं समझ में आ रहा? अगर हम तुम्हारे लिए बुरा बोल रहे हैं, नहीं वो बात ठीक है, बट ठीक है ना, अगर हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तुमको हम किस चीज में सपोर्ट नहीं किए हैं? हर चीज में एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहते हैं ना, तो अगर तो अभी भी सपोर्ट कर दो ना यार। तुम अगर ये गलत अभी भी करो, करना पड़ेगा। उत्कर्ष बात मजाक नहीं कर रहे हमसे, ये घींच के दे देंगे। क्या मतलब बार बार मारना मारना, खाली मारने का बात आता है? जब देखो तब मारेंगे मारेंगे मारेंगे, क्या मजाक चल रहा है? अपना टोन देखा है तू भाई? देख बाबू दो मिनट प्लीज। देख भाई बाबू, हम तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, ये सब मैं कुछ नहीं रखा है। गर्लफ्रेंड मैंने पता है तेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, तेरा जितना अच्छा पेंटिंग का है वो सब सपना सब वेस्ट, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बस तेरा समय बर्बाद होगा। प्लीज नहीं होगा, प्लीज ना। अरे नहीं होता है यार, हमको देखो हम तुमसे बड़े हैं ना, तुमसे 4 साल बड़े हैं, तो मेरे को तुमसे 4 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 4 साल तुमसे ज़्यादा जिए हैं, तो हम तुमको कुछ अच्छा ही बता रहे हैं। अरे तो हम इसका बुरा थोड़ी जाएंगे यार, तुम भी हो हद मतलब। बहन तुमको कोई और मिल जाएगा, मेरा भाई ही मिला नहीं, है। तुमको यही मिला है, कितना क्यूट तो है देखो। ठीक है एक काम करते ना, हम घर में बोल देते हैं, तुमको तो मेरी बात सुनना नहीं है, हम घर में बोल देते हैं। अरे मम्मी को क्यों बताना है? क्यों नहीं बताना है, जब तुमको कोई तुम कुछ गलत नहीं ना कर रहे हो? नहीं तो ठीक है बता देते हैं मम्मी को। मम्मी को क्यों बताना है? हम आ रहे थे ना, तुम दोनों का फोटो भी ले गए, देखो फोटो भी है मेरे फोन में। अब हम चले मम्मी को बता। अरे रुको रुको, रुकिए आपको एक बात बताना, सुनिए तो सही। अरे रुको तो। अच्छा आपको एक बात बताना। मेरे को कुछ नहीं सुनना है। अच्छा एक छोटा सवाल, छोटा सवाल हमको कोई बात। अरे चलो, अरे सुनो तो, एक सेकंड नहीं इधर आ। तुम लोग को तो बहुत प्यार का नशा चढ़ा हुआ है ना। अच्छा ठीक है चलेगा, बैठो तो सही। नहीं मम्मी से बोल देते। अरे बैठो तो यार, कैसे बोल सकते हो? अरे बैठो सुन रहे हो, बोलो ना यार क्या करना है? बोलो जो बोलना हमको नहीं था। अरे बैठो तो। देखो तुमको कुआं में कूदना है ना, जहर खाना है तो। अरे यार बैठो 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 भाई, बैठो तो सही। अरे भाई प्यार की तो डरना क्या है? ठीक है मम्मी एक्सेप्ट कर लेगी, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा ना, घर की मेरी 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 फ्रेंड मेरी घर की, क्या वो भाभी बन जाएगी? अभी आपके समय घर पे तो डरना क्या नहीं, थोड़ा तो समझ कोई बात। अरे हम समझ, हम अरे प्यार तू नहीं, हम तुम लोग का प्यार को सपोर्ट करते हैं। मम्मी को ये बात बताते, कोई सुनी होगा को क्यों बताना है? सही बात है, नहीं 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 हम कर। अरे प्लीज ना, हाँ छोड़ो मेरा,
हमको कुछ नहीं सुनना है। अरे बैठो तो यार, गलती हो गया, गलती क्या हो गया, तुम तो बड़ा बोलते, मेरा जैकेट फट जाएगा, तुम दोनों छोड़ो यार, बहुत रुलाती है, बट प्लीज बैठो बैठो बैठो, नहीं बताना है कोई बात, हमको ना सुनना है, बात खत्म। अच्छा छोटा सा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अरे सुन तो लो एक बार, लीजिए प्यार का नशा चढ़ा रहा है तुम लोग का, चलो मम्मी बेलन से मारेगी ना। अरे तुम पहले मेरा बात तो सुन लो, हमारा बात तो सुनो। नहीं हमको कुछ नहीं आता, तुम तो तुम इससे प्यार करती हो, तुम भी प्यार का नशा वैसा नहीं, नहीं तुम भी प्यार करते हो ना इससे, नहीं कोई प्यार, ब्याह करोगे, चलो ब्याह भी नहीं, नहीं यार काम करते ना, ब्याह करा देते तुम दोनों का, ठीक है, ऐसा कोई नशा, और हम फोटो फैमिली ग्रुप में भी भेज दी। अरे पागल हो, यार अब हम बोले या ना बोले सबको पता चल गया है। अच्छा ठीक है, और ये फोटो अब राजीव को ही भेज। नहीं नहीं बैठो ना यार, तुम क्या कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है, अभी हम को तुम लोग जाना, तुम लोग को तो कोई डर नहीं है ना, प्लीज ना बैठो ना, कोई प्यार करना चाहिए, मजा आता है, और प्रैंक करना है पता चला साला तू आया है मेरे, खींच के लगाए कान के नीचे, हम टाइम देख लिए थे कि यार ये दोनों प्रैंक कर रहा है मेरे पे, मेरे को लगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तो बताओ मेरा प्रैंक करने चला था, उल्टा हो गया प्रैंक, फैमिली ग्रुप में फोटो चल जाएगा ना, प्यार का नशा उतर जाएगा, तो बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फैला दो, मेरे को प्रैंक नहीं करने का, ओके ऐसा प्रैंक तो बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़ दो अब तो, छोड़ दो बेचारे को, अभी तो हटो। ओहो हाँ ठीक है, तो कैसा लगा मेरा भाई का एक्टिंग